इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन 2019 के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 46 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वयस्कों को डायबिटीज है, जिसमें से 4 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया के हैं। जितने भी लोगों को अभी तक डायबिटीज हुआ है, उसमें से लगभग 85 से 90% तक के मामले टाइप 2 डायबिटीज के हैं, जिसका मुख्य कारण अधिक वजन, मोटापे और अधिक लंबी उम्र को माना जाता है। देखो, डायबिटीज इतना अधिक विनाशकारी रूप ले चुका है, इसके पीछे कुछ लोगों या समुदायों की सोची समझी लालच छिपी हुई है। पर अच्छी बात यह है कि डायबिटीज को कुछ ही महीनों में बिना किसी वेट लॉस सर्जरी के हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस बुक में बताए गए मेन कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं। आगे फर्स्ट लेसन है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के पीछे डॉक्टरों की गलतफहमी। लोग आमतौर पर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जो जानते हैं वो ये है कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने पर बॉडी अब और ज्यादा शुगर अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। टाइप 1 डायबिटीज जिसे होता है उसमें लो इंसुलिन लेवल होता है, जिसकी वजह से उनका वेट कम होने लगता है, साथ ही टॉयलेट और प्यास बार बार लगती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में आप पाएंगे कि उनमें हाई इंसुलिन लेवल होता है। टाइप 1 की शुरुआत आमतौर पर अचानक से होती है, जबकि टाइप 2 के जो सिम्टम्स हैं उसे बनने में सालों लगते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होने के बावजूद भी डॉक्टर्स इंसुलिन के साथ इन दोनों तरह की डायबिटीज का इलाज करते हैं, जिसका यह परिणाम होता है कि यह टाइप 1 डायबिटीज के लिए अच्छी तरह काम करता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज रोगियों के लिए यह विनाशकारी साबित होता है, जिसकी वजह से रोगियों का वजन बढ़ता है और जिससे उनकी स्थिति खराब होती जाती है। एक और एग्जांपल से इसे क्लियर रूप से समझते हैं। बॉब 50 साल का एक शख्स है जो सालों से वही खाता था जो उसे पसंद था, जिसमें पास्ता, ब्रेड, रेड मीट जैसे हेल्दी डाइट शामिल थी। जब बॉब की उम्र 40 थी तब उसका वजन बढ़ने लगा, इसलिए उसने रेड मीट खाना बंद कर दिया और वे जितनी भी कैलोरी खाते थे उसे काउंट करके रखते थे, लेकिन इतना करने के बावजूद भी उनका वजन बढ़ता ही रहा। लंबे समय तक उनकी बॉडी सुस्त रहा करती थी। फिर उन्होंने डायग्नोसिस किया तो पता चला कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। इस बात से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, तब तक उनका 15 पाउंड वजन भी बढ़ चुका था। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि उनकी आंत में जो आंत की चर्बी थी वह लीवर और आंतों के बीच इकट्ठा हो रही थी, जो कि बॉब के लिए एक गंभीर समस्या का रूप लेने वाली थी। पर उनके डॉक्टर पेट की चर्बी के खतरों के बारे में या सही पोषण के बारे में सिखाने के बजाय बस उन्हें यह बताया कि उन्हें अपना वजन कम करने और उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि बॉब के मामले में हाई ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए लगातार इंसुलिन दिया जा रहा था, फिर भी उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता ही जा रहा था। इतने पर भी उन्होंने अपना वजन कम करना जारी रखा। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें एक केटोजेनिक डाइट बुक दी, जिसकी वजह से उन्होंने लो कार्ब और हाई फैट के साथ शरीर की जरूरत के हिसाब से प्रोटीन लेने का फैसला किया और समय समय के साथ उन्होंने अपना वजन भी कम कर लिया तथा अपने ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर लिया था। इतने पर भी उनके डॉक्टर ने इंसुलिन देना जारी रखा, जबकि उनके डॉक्टर को सब चीज कंट्रोल होने के बाद इंसुलिन देना बंद कर देना चाहिए था। इसी तरह बहुत से बॉब की तरह लोग हैं जो अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन को आंख बंद करके फॉलो करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल संस्थान के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करना उनकी पहुंच से बाहर है। इस लेसन में हमने सीखा कि भले ही आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज हो, पर डॉक्टर इन्हें एक ही मानकर इलाज करते हैं। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं, डायबिटीज का शरीर पर प्रभाव। डायबिटीज माइक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर दोनों को जन्म देकर जटिल स्थितियों को भी जन्म देता है। माइक्रोवैस्कुलर समस्याओं में अंधापन, किडनी की समस्याएं और नर्व डैमेज शामिल है, जबकि माइक्रोवैस्कुलर समस्याओं में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर शामिल है। 2017 के US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के लेख में डायबिटीज के जानकार ल्यूसिल ह्यूजेस बताते हैं कि डायबिटीज का इलाज किया जा सकता है, पर कठिनाई यह है कि खतरनाक ब्लड शुगर वाले कई लोग बढ़े हुए ब्लड शुगर को महसूस नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें आने वाले जोखिम का एहसास नहीं होता है, जिसकी वजह से हार्ट रोगी डायबिटीज की वजह से मर जाता है, ऐसा डॉक्टर लोरेना लेवी अल्टरबाउम कहती हैं। उनका यह भी मानना है कि अधिकांश रोगियों में कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस संबंधी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि हमारी धमनियों की एक बीमारी जो हमारे इनर वॉल्स पर फैटी मटेरियल जमा करने की वजह से होती है। लेवी अल्टरबाउम का कहना है कि लंबे समय तक डायबिटीज के रहने के बाद किडनी बीमारी का होना विनाशकारी साबित हो सकता है।
क्योंकि किडनी बहुत सी तकलीफें पहले से झेल चुका है, इसलिए वह किसी भी स्टेज पर बंद हो सकता है। अब एक अलग एग्जांपल की ओर चलते हैं। NBA के खिलाड़ी कोरी ब्रेवर को जवानी में ही पता चला कि उनके माता पिता दोनों को डायबिटीज है। उनके पिता काफी मोटे थे और उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई। बाद में डायबिटीज के कारण उनके दोनों पैरों को ऑपरेशन द्वारा काट दिया गया, पर उनकी माँ इस बीमारी को मैनेज करती रही। बाद में वह कोमा में चली गई, मगर ब्रेवर ने हार नहीं मानी। वह डायबिटीज ना होने के सोल्यूशन की खोज करने में लगा रहा। उसे पता चला कि वह सब जो हम खा रहे हैं उसी वजह से ये सब होता है। साथ ही ब्रेवर ने यह भी जाना कि डायबिटीज पूरे शरीर को कैसे नष्ट कर सकता है, इसलिए उसने जिंदगी भर हेल्दी फूड खाने का फैसला किया। इस लेसन में हमने सीखा कि डायबिटीज शरीर के हर हिस्से को तबाह करने की ताकत रखता है। आगे नेक्स्ट लेसन है, लोगों में फैट और कार्बोहाइड्रेट की गलत समझ। ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों में हाई ग्लाइसेमिक लोड होता है। इस तरह के खाद्य पदार्थों को खाने से ब्लड शुगर का लेवल प्रभावित होता है। डाइटरी फैट्स और प्रोटीन्स का ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज के लेवल पर इसका प्रभाव नहीं होता। इन तथ्यों के बावजूद 80 के दशक की शुरुआत में डॉक्टरों ने अपने मरीजों को कम फैट वाले खाद्य पदार्थों की जगह हाई कार्ब पदार्थों को खाने की सलाह दी, जिसके कारण डायबिटीज और मोटापे की दर बढ़ती ही जा रही थी। डीप न्यूट्रिशन में डॉक्टर कैथरीन सानाहन ने दोषपूर्ण विज्ञान के बारे में लिखा, जो मीडिया द्वारा पोषण के बारे में गलत धारणा फैलाने से संबंधित है। सानाहन के विचार में डॉक्टरों ने खराब मरीज की तबीयत ठीक होने के लिए पशुओं के मांस खाने की सलाह दी, जिससे इस तरह के खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ गई और आगे चलकर यह लोगों के खराब स्वास्थ्य का कारण बना। सानाहन सलाह देती हैं कि लिपिड वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे वास्तविक रिसर्च को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे हेल्दी डाइट और फैट के एक्सपर्ट हैं। वह लिखती हैं कि समस्या तब पैदा होती है जब हम साइंटिफिक टर्म्स का उपयोग करते हैं बिना यह जाने कि यह सही भी है कि नहीं। इसलिए आपके फायदे की बात यह है कि डॉक्टर और मरीज दोनों को बेस्ट डाइट निर्धारित करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इस लेसन में हमने सीखा कि फैट और कार्बोहाइड्रेट की भूमिका के बारे में गलत जानकारी ने लोगों को वजन बढ़ाने के साथ साथ बहुत ज्यादा बीमार होने में भी मदद की। आगे नेक्स्ट लेसन है, कैलोरी गिनकर खाना जरूरी है क्या? बहुत से लोग यह मानते हैं कि वजन कम करने का सिंपल तरीका यह है कि हम किसी भी दिन से अपने भोजन में कम कैलोरी को खाना शुरू करते हैं या अपनी कैलोरी बर्न करने के तरीके खोज लें। यह सिस्टम लॉजिकली तो लग सकता है, लेकिन फैक्ट कुछ और है। देखिए, हमारे शरीर में वजन कंट्रोल करने से संबंधित सिस्टम होता है। असल में मोटापा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जबकि लोगों को लगता है कि यह ज़्यादा खाने की वजह से होता है। इस लेसन में हमने सीखा कि वजन कम करने के लिए कैलोरी गिनना वैज्ञानिक रूप से सही रणनीति नहीं है। आगे नेक्स्ट लेसन है, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज के बीच संबंध। टाइप 2 तरह का डायबिटीज बहुत धीरे धीरे और बहुत सालों के बाद इसका प्रभाव दिखता है, जिसकी वजह से अधिकांश लोगों का शरीर ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने का आदी हो जाता है। इसलिए लोगों को हेल्दी खाने और फास्टिंग के अलावा लोग अपने डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाकर और अपने ब्लड शुगर के लेवल की निगरानी करके सतर्क रह सकते हैं। आपके इस तरह सतर्क रहने से डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है। 2017 के अंत में US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि लगभग 40% अमेरिकी वयस्क व्यक्ति और 20% किशोर वर्तमान में मोटापे से ग्रस्त हैं। ये दरें अभी तक की सबसे ज्यादा हैं, ये नोट किया गया। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर फ्रैंक हु को यह बात परेशान कर रही है। हु कहते हैं, इस पॉइंट पर आकर आशावादी होना कठिन है। बच्चों और वयस्कों दोनों में प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह के आने वाले संकटों को कम आंकने की भूल करना बेवकूफी है। आर्थिक रूप से US हेल्थ केयर सिस्टम सालाना वेट रिलेटेड एक्सपेंसेस पर $190 बिलियन खर्च करता है। मतलब इस रोग की धीमी गति से बढ़ने की वजह से डायबिटीज के लिए बुनियादी कदम उठाकर बीमारी को पूरी तरह से रोकना संभव है, पर आप किस तरह की डाइट और फाइबर चुन रहे हैं इससे सीधा फर्क पड़ता है। इस लेसन में हमने सीखा कि मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज निकटता से जुड़े हुए हैं। यह बीमारी विकसित होने से लगभग एक दशक तक मौजूद रह सकता है। आगे नेक्स्ट लेसन है, शक्कर जहर है। टाइप 2 तरह के डायबिटीज होने के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। ब्लड में शुगर के ज्यादा होने से इंसुलिन लेने की स्थिति पैदा होती है। डॉक्टरों की बढ़ती संख्या के बावजूद लोग अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि शक्कर मानव सिस्टम के लिए जहर का काम करता है। यह हमारी रोजमर्रा के कई खानों में छिपा है, जिसमें पैकेज सॉस भी शामिल है। यहाँ तक कि लोग मानते हैं कि वे शक्कर कम खा रहे हैं, लेकिन वे अनजाने में बहुत अधिक शक्कर खा जाते हैं।
द केस अगेंस्ट सुगर में ऑथर गैरी टॉबिस लगातार मन और शरीर दोनों पर शक्कर के बेहद हानिकारक प्रभाव के मामलों के बारे में बताते हैं। शक्कर का दूसरा रूप चॉकलेट और टॉफी है, जिसे माता पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए देते हैं। शक्कर हमारी संस्कृति में इतना गहराई तक समाया हुआ है कि इसे खाने की लत को खतरनाक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव हमें तुरंत नहीं दिखता, पर शक्कर न खाने के बहुत से लाभ हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, शक्कर को परहेज करने से आपकी त्वचा बेहतर दिख सकती है। रक्त प्रवाह में बहुत अधिक शुगर कोलेजन प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न करती है, जबकि शुगर कम लेने से एंटी एजिंग प्रोटीन बनने में मदद मिलती है। अत्यधिक शुगर हमारी एनर्जी के लेवल को खराब कर सकती है, जबकि इसे कम करके हम शुगर को बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने से रोक सकते हैं। हमारे लिए अच्छा यह है कि हम अपने खाने में शक्कर का यूज़ पूरी तरह से ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें मोटिवेशन की कमी के साथ साथ इरादे की कमी भी मौजूद है, पर इसका कोई भी रीजन हो सकता है। पर आपको खुद से यह सवाल करना है कि आप शक्कर खाना क्यों नहीं छोड़ सकते। इस लेसन में हमने सीखा कि बहुत ज़्यादा शक्कर खाने से टाइप 2 डायबिटीज होता है। आगे फाइनल लेसन है डायबिटीज़ का सिंपल इलाज। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की वेबसाइट पर लिखा है कि वे पूरी तरह से असहमत हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, पर सच्चाई ये है कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। बेरियाटिक सर्जरी को वेट लॉस सर्जरी या स्टमक स्टैपलिंग भी कहते हैं। इसमें वे आपके पेट को अखरोट के आकार में कर देते हैं। ऐसा करने का मतलब है कि आप कम खाएं, क्योंकि जब आप खा नहीं रहे हैं तो आप अधिक वजन कम करेंगे। एक स्टडी में दो ग्रुप को शामिल किया गया और दोनों ग्रुप को डायबिटीज थी। पहला ग्रुप वो दवाइयाँ ले रहा था जो डॉक्टर ने बोला है, जबकि दूसरे ग्रुप ने वजन घटाने की सर्जरी कर रखी है और वे डायबिटीज की दवाइयाँ भी ले रहे हैं। एक साल के बाद इसका रिजल्ट कुछ ये था। पहले ग्रुप के लोग जो दवाइयाँ ले रहे थे, वे आने वाले वर्षों तक दवाइयाँ ही लेते रहेंगे, लेकिन दूसरा ग्रुप जिसने वेट लॉस सर्जरी की थी, उसने पाया कि कुछ ही महीनों में धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ कम होती जा रही थी और 12 महीनों तक इसमें से कई लोग अपनी सभी दवाइयों को बंद कर चुके थे और उनकी ब्लड शुगर पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वेट लॉस सर्जरी हर किसी के लिए बेहतर सोल्यूशन है, क्योंकि इससे भी सिंपल सोल्यूशन आगे मौजूद है। फास्टिंग एक तरह की आहार की पैतरेबाजी है, जहां आप कुछ समय के लिए कुछ नहीं खाते। ऑथर रिचर्ड का एग्जांपल देते हैं। रिचर्ड एक डायबिटीज मरीज था जो उनके पास आया था। रिचर्ड को 10 साल से डायबिटीज था। वह लगभग 70 यूनिट इंसुलिन ले रहा था। उसकी जिंदगी बहुत परेशानी से भरी पड़ी थी। उसे आँख और किडनी से रिलेटेड बीमारी हो चुकी थी। ऑथर ने उसका आहार बदल दिया और उसे कम कार्बोहाइड्रेट्स पर रखा और कुछ समय बाद फास्टिंग भी चालू कर दी। कुछ ही महीनों में रिचर्ड ने अपना वजन लगभग 50 पाउंड कम कर लिया और उसकी डायबिटीज भी बेहतर हो गई थी। उसके बाद ऑथर ने इंसुलिन भी हटा दिया और कुछ समय के बाद रिचर्ड की दवाइयों को भी बंद कर दिया और अब उसकी ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो गई थी। यहाँ तक कि वह 2 साल के बाद भी दवाइयों पर नहीं था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फास्टिंग से रिचर्ड पर डायबिटीज का उल्टा असर हुआ था। देखिए, यह कोई खोज नहीं है। इसे जानने के लिए आपको बस 100 साल पीछे जाना होगा। डॉक्टर एलियट जोसलिन शायद इतिहास के सबसे प्रसिद्ध डायबिटीज एक्सपर्ट थे। उन्होंने कैनेडाई मेडिकल जर्नल में यह लिखा कि अल्प पोषण की अस्थायी अवधि डायबिटीज के उपचार में सहायक होती है, पर उस समय तक प्रॉब्लम ये था कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में अंतर नहीं कर सकते थे। खैर, यह टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। यह वास्तव में टाइप 1 को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है। और कुछ साल बाद इंसुलिन की खोज के साथ लोगों का सारा ध्यान इंसुलिन पर चला गया और हर कोई इस आहार उपचार के बारे में भूल गया। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टर टेलर ने द काउंटर पॉइंट स्टडी नामक एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने लोगों को बहुत कम कैलोरी आहार पर रखा। खैर, यह फास्टिंग की तरह नहीं है, पर यह करीब करीब वैसे ही था। इस ग्रुप ने 7 दिन में ब्लड शुगर लेवल को 9.6 से 5.9 पर ले आया था। उसके बाद उनकी शुगर भी नॉर्मल हो गई। और अब कोई आपको बोले कि आप हमेशा दवा पर रहेंगे, पर आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। एक और एग्जांपल से इसे थोड़ा क्लियर रूप से समझते हैं। एक 27 साल की स्टूडेंट थी जिसे हाल ही में टाइप 2 डायबिटीज का पता चला था। उसका हीमोग्लोबिन A1C 10.4% था, जो कि उसका 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल था, जबकि डायबिटीज का डायग्नोसिस 6.5% पर होता है, इसलिए 10.4% बहुत अधिक है, जिसके कारण उसके डॉक्टर चिंतित थे। पर 3 दवाइयों के साथ इसकी शुरुआत हुई, जबकि लड़की 27 साल की उम्र से ही दवाइयों पर नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने इंटरनेट पर देखा और फैसला किया कि वह कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करेगी।
खैर उसने बहुत जल्दी 20 पाउंड वजन कम कर लिया और 3 महीने के चेकअप में उसका हीमोग्लोबिन 5.5% था और कुछ समय बाद उसका डायबिटीज खत्म हो गया। ही दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको द डायबिटीज कूड नाम की बुक से बताया है, जिसके ऑथर डॉक्टर जेसन फंग हैं। इस बुक में बहुत सारी बातें रिसर्च के साथ दी हुई है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है, मुझे ये बुक अच्छी लगी तो इसका समरी बना दिया। वैसे अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही आपके कुछ सुझाव या व्यूज हो तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने पर ही इस चैनल से रिलेटेड सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आप हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपने अपना समय देकर मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।